नमस्कार, मैं निशा, आप देख रहे हैं विग न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बांका जिले के बेलहर थाना क्षेत्र के रामनगर ताराटांड गांव में बुधवार की देर संध्या एक 6 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ गांव के ही एक युवक के द्वारा दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि घटना की सूचना गुरुवार की सुबह पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मौके से आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत बांका भेज दिया। इस संबंध में पीड़िता बच्ची की मौसी ने थाना में लिखित आवेदन देकर गाँव के ही सोनू कुमार उर्फ सोहन कुमार पिता शिवचरण यादव के विरुद्ध दुष्कर्म करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें बताई है कि मेरी बहन की 6 वर्षीय छोटी बच्ची मेरे पास लगभग 1 वर्ष से रहती थी। बुधवार की संध्या करीब 6 बजे गांव के स्कूल सरस्वती पूजा देखने गई थी, लेकिन काफी देर हो जाने के बाद जब वह घर नहीं लौटी तब उसे खोजते हुए जब मैं स्कूल के पास गया तो देखा कि वह स्कूल के बगल में बैठकर रो रही थी। पूछने पर उसने बताया कि घर के सामने वाला सोनू कुमार उर्फ सोहन कुमार मुझे स्कूल के पीछे ले गया और मेरे मुंह में कपड़ा बांधकर मेरे साथ गलत काम किया। जब मैं उसे घर लाकर देखा तो वह बुरी तरह जख्मी थी। इसकी सूचना उसके माता पिता को देने के बाद थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। वहीं इस संबंध में थाना अध्यक्ष विनोद कुमार ने बताया कि पीड़िता के परिजन के द्वारा दिए गए आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जाँच की जा रही है। बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के डुमरामा गांव निवासी एक महिला को पति के द्वारा दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर पीटकर जख्मी कर देने का मामला सामने आया है। जख्मी डुमरामा गांव निवासी महिला सुनीता देवी का प्राथमिक उपचार स्थानीय रेफर अस्पताल में किया गया। मामले को लेकर जख्मी महिला ने बताया कि इनके पति दिनेश हमेशा से मायके से मोटी रकम लाने की मांग करता है, जबकि विवाह के समय मायके वालों के द्वारा उपहार स्वरूप मोटी रकम दिया गया था। दहेज की रकम नहीं देने पर आए दिन ससुराल वाले मारपीट जैसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। पति की मनमानी से तंग आकर मैं अपने मायके डुमरामा गांव अपने माता पिता के पास आकर रहने लगी। वहीं पति कुछ लोगों के साथ आकर जान मारने की नीयत से लोहे की सरिया से प्रहार करते हुए जख्मी कर दिया। फिलहाल महिला बलिकित्ता गांव में रह रही है। जख्मी महिला ने थाने में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि आवेदक के द्वारा दिए गए आवेदन पर अनुसंधान किया जा रहा है। बार बार मारपीट करता है और जो है सो बार बार मारपीट करता है, कहता पैसा लाओ और नशा पी करके आता है तो इसको कभी पेशाब पिलाता है, कभी थूक चटवाता है। इसको मारा कौन? इसका मारा है पति, पहले मारा है, उसके बाद सास ससुर सब था उसके। मैट्रिक परीक्षा के तीसरे दिन फर्जी छात्रों की गिरफ्तारी की गई। परीक्षा छात्र रोहित कुमार उच्च विद्यालय भरको के मनीष कुमार के बदले परीक्षा दे रहा था, वहीं दूसरा फर्जी छात्र आशीष कुमार रोहित कुमार के बदले परीक्षा दे रहा था। दोनों फर्जी छात्र को तुरंत पकड़ लिया गया, साथ ही पुलिस के हवाले कर दिया गया। फर्जी छात्र के विरुद्ध टाउन थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जिले में कदाचार के बिना मैट्रिक की परीक्षा संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। इसके बाद भी मैट्रिक की परीक्षा में फर्जीवाड़े का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। मैट्रिक परीक्षा के तीसरे दिन पहले पाली में सोशल साइंस की परीक्षा के दौरान नव उत्क्रमित उच्च विद्यालय चुटिया अमरपुर के परीक्षा केंद्र से 2 फर्जी परीक्षार्थी को गिरफ्तार किया गया। एक फर्जी परीक्षार्थी 10,000 लेकर परीक्षा देने बैठा हुआ था, जबकि दूसरा छात्र अपने रिश्तेदार के बदले परीक्षा दे रहा था। जिला शिक्षा पदाधिकारी देवेंद्र झा ने बताया कि प्रथम पाली के दौरान सोशल साइंस की परीक्षा चल रही थी। इसी दौरान उत्कर्णित उच्च विद्यालय अमरपुर केंद्र अधीक्षक मुकेश कुमार सिंह ने परीक्षार्थियों की जाँच शुरू की। जाँच के क्रम में जब दोनों छात्र का एडमिट कार्ड से फोटो का मिलान किया गया तो गड़बड़ी पाया गया। जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो दोनों फर्जी छात्र निकले। फर्जी छात्र रोहित कुमार उच्च विद्यालय भरको के मनीष कुमार के बदले परीक्षा दे रहा था, जबकि दूसरा फर्जी छात्र आशीष कुमार रोहित कुमार के बदले परीक्षा दे रहा था। दोनों फर्जी छात्र को अविलंब पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। टाउन थाना अध्यक्ष सुबोध कुमार राव ने बताया कि नव उत्कर्मित उच्च विद्यालय चुटिया अमरपुर के केंद्राधीक्षक मुकेश कुमार सिंह से प्राप्त आवेदन के आधार पर फर्जी छात्रों की गिरफ्तारी कर ली गई है। फर्जी छात्र रोहित कुमार शंभुगंज थाना क्षेत्र के पिपरा गांव का रहने वाला है, वह अपने रिश्तेदार के बदले परीक्षा दे रहा था। वहीं आशीष कुमार अमरपुर थाना क्षेत्र के भरको का रहने वाला है, वह परीक्षा में बैठने के लिए रोहित से 10,000 में डील की थी। बांका जिले के फुलीडुमर प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर मैट्रिक की परीक्षा कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण माहौल में चल रही है। शुक्रवार को उच्च विद्यालय बालादेव इठरी फुलीडुमर केंद्र पर आयोजित सामाजिक विज्ञान की परीक्षा पहली पाली में कुल 508 में से 486 छात्र उपस्थित हुए, जबकि दूसरी पाली के सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षा में कुल 489 में से 485 उपस्थित हुए। केंद्र अधीक्षक ने बताया कि पहली पाली में 11 एवं दूसरी पाली में 4 छात्र अनुपस्थित रहे। हिमालयन एकेडमी परीक्षा केंद्र पर पहली पाली में उक्त विषय की परीक्षा में कुल 418 में से 413 परीक्षार्थी उपस्थित हुए।
द्वितीय पाली में 416 में से 413 परीक्षार्थी उपस्थित हुए। केंद्र अधीक्षक चंदन कुमार ने बताया कि दोनों पालियों में कुल 8 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में सम्पन्न हुई। बांका जिले के चांदन प्रखंड के सुइया बाजार के दुर्गा मंदिर में सरस्वती मां की प्रतिमा शुक्रवार को सुबह 9 बजे हर साल की भांति इस साल भी बड़े धूमधाम से सरकार की गाइडलाइंस के पालन करते हुए सरस्वती मां को नम आंखों से विदाई दी गई। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।